Assalamu alaikum everyone, this is Ali from Mastek. Dosto, finally, Galaxy A51 market mein available kar diya gaya hai. Aaj kis video mein isko unbox karte hain, iski retail price rakhi gayi hai 54,000 Pakistani rupay mein. After market discount bhi milta hai, ek hi variant ko launch kiya gaya hai, 6GB, 128GB, bahut sare doston ka intezar bhi khatam hua. और आज की इस वीडियो में एक गिव अवे भी है क्योंकि आपको पता है कि मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता रहता हूं देखने वालों को. तो जो मुझे पावर बैंक मिला है प्री बुकिंग में 10,000 एमएच का पावर बैंक है, इसको हम गिव अवे करेंगे. गिव अवे की बात हम एंड पर कर लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कुछ गैलेक्सी A51 की अनबॉक्सिंग की. अब मैं ज्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ. लेट्स जंप टू द वीडियो. ओके जी, गैलेक्सी A51 का बॉक्स हमें कुछ इस शेप में देखने को मिलता है. अब यहाँ A51 को मेंशन किया गया है, डिस्प्ले को दिखाया गया है, रियर क्वाड कैमरा सेटअप को दिखाया गया है. यहाँ एक वारंटी सील समझ लें आप, सैमसंग ऑफिशियल प्रोडक्ट फॉर पाकिस्तान को मेंशन किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है. अब सैमसंग पाकिस्तान को भी सीरियस ले रहा है. सैमसंग का लोगो देखने को मिलता है, सैमसंग गैलेक्सी A51, लेकिन यहाँ कोई भी की स्पेसिफिकेशन को मेंशन नहीं किया गया. बस आपने जब फोन बाय करना है तब ये PTA की तस्दीक शुदा जो सील होगी इसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि विदाउट वारंटी स्टॉक भी अमूमन ही होता है कि फेक वारंटी में सेल किया जाता है. अब बॉक्स को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, तो यहाँ बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले, मैं पहले भी गैलेक्सी A50 की अनबॉक्सिंग में भूल गया था, यहाँ एक इन्वेलप देखने को मिलता है जो कि ऊपर रह जाता है. और इन्वेलप में आपको सबसे पहले एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है जो कि इस शेप में रखा गया है. और उसके बाद आपको मिल जाती है मैनुअल बुक्स और सिलिकॉन केस. और मैनुअल बुक यहाँ अरबिक में और उर्दू में आपको देखने को मिलती हैं. ये एक अच्छी बात है कि अब आपको उर्दू में भी मैनुअल बुक्स देखने को मिल रही हैं. और यहाँ एक सिलिकॉन केस मिल जाता है जो कि थोड़ा सा ग्रेश टोन में रखा गया है. उसके बाद आपको मिलती है डिवाइस जो कि फ्रॉस्टेड पेपर में लिपटी हुई है, सैमसंग गैलेक्सी A51 को मैंशन किया गया है. और साथ ही कुछ की स्पेसिफिकेशन को मैंशन किया गया है, इन्फिनिटी ओवर डिस्प्ले, क्वाड कैमरा सेटअप, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर को मेंशन किया गया है. डिवाइस को साइड पे रख लेते हैं, बात करते हैं कुछ एक्सेसरीज की. तो बॉक्स में आपको एक हैंड्स फ्री देखने को मिल रही है जो कि मुझे नहीं लग रहा कि इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि यहां आपको वही सैमसंग जे सीरीज वाली एक हैंड्स फ्री देखने को मिलती है. इस शेप में आपको हैंड्स फ्री देखने को मिल रही है. और उसके बाद आपको मिल जाती है एक डाटा केबल जो कि एज एक्सपेक्टेड टाइप सी वाली केबल होने वाली है, टाइप सी की केबल मिलती है. फिर आपको मिल जाता है एक चार्जर. और अगर चार्जर की रेटिंग की बात की जाए, आपको एक एडेप्टिव फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि सैमसंग की अपनी टेक्नोलॉजी शुरू से चल रही है. और आपको यहाँ पर 9 वॉट 1.6 एम्पेयर वाला चार्जर मिलता है, मतलब ये कि 15 वॉट पर आपको फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन देखने को मिल जाती है. बाकी बॉक्स में कुछ ज़्यादा कॉन्टेंट नहीं मिलते, हम बॉक्स को रख लेते हैं साइड पर, डिवाइस को ले आते हैं सामने और बात करते हैं कि यहाँ डिवाइस की फर्स्ट लुक हमें कैसे देखने को मिलती है. वैसे तो फर्स्ट लुक हम अपने चैनल पर दे चुके हैं. तो यहाँ रैपर में से निकालते हैं डिवाइस को बाहर और डिवाइस को करते हैं ऑन, साथ साथ एक्टिवेट करते हैं और बात करते हैं कुछ यहाँ ओवरव्यू की. अब पहले जो मैंने आपको फर्स्ट लुक दी थी वो वाइट कलर की थी, यहाँ ये पिंक कलर है. रियर पर आपको कुछ पॉलीकार्बोनेट वाला स्टफ देखने को मिल रहा है जो कि एक प्लास्टिक स्टफ है. क्वाड कैमरा सेटअप लगाया गया है, चार कैमराज आपको एल शेप में देखने को मिलते हैं. LED लाइट देखने को मिल रही है, यहाँ आपको एक सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है. अब फ्रेम भी आपको यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक वाला मिलता है. ऑन ऑफ की को रखा गया है, वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं. ऊपर की साइड पर आपको एक नॉइस कैंसलेशन माइक मिल जाता है, यहाँ आपको एक सिम ट्रे देखने को मिल जाती है. और सिम ट्रे को भी हम चेक कर लेते हैं. वेल, यहाँ आपको एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट वाली सिम जैकेट देखने को मिलती है, दो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड आप चला सकते हैं. अब हम बात कर लेते हैं बॉटम साइड की. तो यहाँ पर आपको एक 3.5 mm का जैक, टाइप सी की कनेक्टिविटी, एक प्राइमरी माइक मिल जाता है और एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है. अब यहाँ भी कुछ पेपर्स को लगाया गया है, उसको उतारना चाहे तो उतार सकते हैं. अब इस फोन को हम एक्टिवेट करते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर को ऐड करते हैं और बात करते हैं कुछ फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की. ओके जी, गैलेक्सी A51 एक्टिवेट हो चुका है. अब यहाँ डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.5 inches का एक आपको 1080p/2400 पिक्सल वाला 20:9 रेशो में एक डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो कि इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है. 405 का आपको PPI देखने को मिल जाता है. गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल रही है. बेजल्स आपको काफ़ी मिनिमल देखने को मिल रहे हैं. इवन यहाँ चिन भी काफ़ी कम की गई है सैमसंग की तरफ से. अब यहाँ आपको एक इन्फिनिटी ओ मतलब पंच होल कैमरा वाला डिस्प्ले मिलता है. अब इस फोन पर प्री अप्लाइड पेपर लगाया गया है. अनबॉक्स करते ही बहुत नोटिस करने के बाद मुझे फील हुआ कि यहाँ पर प्री अप्लाइड पेपर लगाया गया है. ऊपर की साइड पर स्पीकर ग्रिल है,
हैंड ग्रिप इस फोन की काफी बेहतर लगी। और यहां अगर वेट की बात की जाए तो 172 ग्राम आपको वेट देखने को मिल रहा है गैलेक्सी A51 का। अब यहां बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो यहां फिंगरप्रिंट सेंसर को मैं ऐड कर चुका हूं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, लाइटर सा स्लो है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी A50 से देखा जाए तो काफी फास्ट नजर आया। बार बार अनलॉक करने से, मतलब ये नहीं है कि आपको फिंगर बार बार प्रेस करना पड़ता है, अनलॉक फौरन हो जाता है। और यहाँ फेस अनलॉक भी जो है वो इस फोन का ठीक काम करता हुआ नजर आता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ इस फोन की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ आउट ऑफ द बॉक्स ही आपको ये पाकिस्तान का पहला ऐसा फोन है जो आपको एंड्रॉयड 10 के साथ मिलेगा। यहाँ दोस्तों एंड्रॉयड 10 मिल रहा है जो कि सैमसंग UI 2.0 के साथ आपको देखने को मिल रहा है। और अगर परफॉर्मेंस प्रोसेसर की बात कर ली जाए, एक्सिनोस 9611 2.3 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल रहा है इस फोन के अंदर। और माली का आपको GPU G72 MP3 देखने को मिल रहा है, 6GB 128GB एक ही वेरिएंट को पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, दूसरा कोई वेरिएंट आपको देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा, वारंटी वाला एक ही आपको वेरिएंट देखने को मिलेगा। कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो सामने वाली साइड पर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और यहाँ कुछ अपर्चर जो है 32 मेगापिक्सल का F2.2 32 मेगापिक्सल का आपको अपर्चर देखने को मिल जाता है। रियर पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर रखा गया है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का ही मैक्रो सेंसर मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल के अपर्चर की बात की जाए तो F2.0 वाला रखा गया है। अब यहाँ कुछ आपको वीडियोस की बात की जाए तो आपको हम यहाँ बता देते हैं एक बार फिर से कि आपको यहाँ पर रियर वाली साइड पर भी 4K का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ अच्छी बात यह है कि आप फ्रंट वाली साइड पर भी 4K की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रंट वाले वाले कैमरा से भी आप 4K की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा ऐप की अगर बात की जाए तो यहाँ मोड में जाके आपको पैनोरामा का मोड, मैक्रो का मोड, नाइट मोड, और यहाँ आपको सेल्फी में भी नाइट मोड मिलेगा, सुपर स्लोमो भी मिल जाता है और स्लो मोशन भी मिल जाता है। 960 फ्रेम पर सेकंड पर भी आप स्लोमो बना सकते हैं, 240 और 460 फ्रेम पर सेकंड पर भी बना सकते हैं। बाकी लाइव फोकस का ऑप्शन मिल जाता है, और लाइव फोकस हम देखते हैं कि फ्रंट कैमरे का कैसा काम करता है। तो यहां लाइव फोकस और रियर का भी हम लाइव फोकस चेक कर लेते हैं। तो ये पिक्चर्स मैंने कुछ कैप्चर की हैं, बाकी ओवरऑल रिव्यू में बात करेंगे। अभी फिलहाल फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो ठीक है, एजेस का थोड़ा सा इश्यू नजर आ रहा है, ये बग्स हैं, बैक साइड पे लाइट ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल हम रिव्यू में बात करेंगे पिक्चर कैसी निकल कर आती है। रियर में कलर्स को वेल बैलेंस किया है गैलेक्सी A51 ने। अब हम बात करें इस फोन की बैटरी की, तो 4000 mAh की बैटरी रखी गई है, टाइप सी की कनेक्टिविटी रखी गई है, और आपको यहां पर फास्ट चार्जिंग 15 वॉट की देखने को मिल रही है। आप गैलेक्सी A51 को किस डिवाइस से कंपेयर करना चाहेंगे, कैमरा कैटेगरी में, परफॉर्मेंस की कैटेगरी में? अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस फोन के अंदर FM रेडियो वाला भी ऑप्शन रखा गया है, अगर कोई आज के दौर में सुनता हो तो आप FM रेडियो भी सुन सकते हैं। आपको कैसा लगा गैलेक्सी A51? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी चलते अपने एंड की तरफ। ओके जी दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग गैलेक्सी A51 की। लुक एज एक्सपेक्टेड सैमसंग वाली निकल कर आती है, लोगों के साथ यहाँ लुक और फील दोनों चीजें रखी गई हैं, और यहाँ डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी खूबसूरत नजर आती है। इवन लाइव वॉलपेपर जब चलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे मतलब फ्यूचरिस्टिक कोई फोन यूज कर रहे हो, लेकिन ये कैप्शन सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। अब इसको हम यूज भी करेंगे, इसका कैमरा कंपैरिजन भी करेंगे, कैमरा रिव्यू भी करेंगे, उसके बाद ही मैं आपको अपना फाइनल ओपिनियन दे पाऊंगा कि ये 54,000 रुपए की रेंज में अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता। आप गैलेक्सी A51 को किस डिवाइस से कंपेयर करना चाहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें। और अब बात कर लेते हैं गिव अवे की, तो गिव अवे इस पावर बैंक का है। आपने वीडियो को लाइक करना है, पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना है, और कमेंट्स में ये बताना है कि गैलेक्सी A51 का आपको हाइलाइटिंग फीचर क्या लगा या इसका बुरा फीचर आपको क्या लगा। सो आज की वीडियो में इतना ही है, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नई गिव अवे के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पैदाबाद, अल्लाह हाफिज।